हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अकाउंटिंग रेशियोस, वो टॉपिक जो आपने ट्वेल्थ में एक बार पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसी टॉपिक को आज अपन दोबारा स्टडी करने वाले हैं, समथिंग न्यू फॉर्मेट में, नए तरीके से, क्योंकि आपने ट्वेल्थ में किस तरह से पढ़ा है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, दो साल पढ़े हुए भी हो गया तो आपको कितना याद है वो भी मुझे नहीं मालूम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज अकाउंटिंग रेशियो या व्हाट इज रेशियो एनालिसिस, ये एनालिसिस में क्यों आता है। 11th में आपने पढ़ा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, 12th में आपने पढ़ा पार्टनरशिप अकाउंटिंग एंड कंपनी अकाउंटिंग, फर्स्ट ईयर में आपने उसी चीज़ को रिवाइज किया, सेकेंड ईयर में आप आए तब आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट मिले, एंड फाइनल ईयर 3 साल 4 साल बाद आप दोबारा रेशियो एनालिसिस को रिवाइज कर रहे हैं। तो हम रिवाइज करते हैं कि रेशियोज कितने तरीके से कैलकुलेट होता है, नंबर वन रिप्रेजेंट होता है, नंबर टू और लास्ट हम सीखेंगे कि कितने टाइप से रेशियोज निकाले जाते हैं, एंड लास्ट एक एग्जांपल अपन सॉल्व करेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम रेशियो को रिफ्लेक्ट करते हैं 3 तरीके से, नंबर वन परसेंटेज के फॉर्म में, नंबर टू टाइम्स के फॉर्म में, एंड नंबर थ्री रेशियो के फॉर्म में, 3 तरीके से। फॉर एग्जाम्पल अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर आपके पास 100 में से आपको 50 मार्क्स मिले, 100 में आपको 50 मार्क्स मिला, तो हाउ वी रिप्रेजेंट इट, इसको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे, कितने तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो नंबर वन परसेंटेज के फॉर्म में, तो हम परसेंटेज के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 50 डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज के लिए इनटू 100 लगा देंगे, तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये कर दिया, इट इज रिकॉल्ड 50%, एक तरीका ये हो गया। सेकेंड तरीका क्या हो सकता है, इसी चीज को आप 50/100 कर दीजिए और कट कर दीजिए, तो क्या आया 0.5, यानी 0.5 टाइम्स सेकेंड में ये हो गया। तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप 50/100 ये कट किया, दिस कम टू 1, यानी 1:2, बट अकॉर्डिंग टू द यूज, किस प्रकार की प्रॉपर्टी है, किस प्रकार का मटेरियल है, हम किस जगह इसको यूज करने वाले हैं, बिजनेस में यूज करने वाले हैं, घर में यूज करने वाले हैं, रिलेशनशिप में यूज करने वाले हैं, उस हिसाब से इसको चेंज कर दिया जाता है, इसका यूज को बदल दिया जाता है। बट इन बिजनेस तीनों को यूज करते हैं अलग अलग एलिमेंट, अलग अलग चीजों के हिसाब से, तो वो क्या है, तरीके क्या है। नंबर वन है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, वो रेशियो जो इस बात को इंडिकेट करें कि बिजनेस का प्रॉफिट पहले इतना था अब इतना है, अगर इनको इंडिकेट करना है तो वी यूज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ये प्रॉफिट से रिलेटेड है, तो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर द थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, वी डिस्कस हियर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं उसके लिए शॉर्टकट आपको दूंगा कि शॉर्टकट में हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आइटम होगा। सेकेंड पॉइंट एक्टिविटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो क्या होते हैं, वो रेशियोज जिससे बिजनेस की एक्टिविटीज का पता चलता है कि अगर ये काम करेंगे तो इतना रिजल्ट आया, इस काम को किया तो ये रिजल्ट आया, ठीक है ना। प्रॉफिट के टर्मिनोलॉजी में रिजल्ट की बात नहीं होगी, अगर प्रॉफिट के टर्मिनोलॉजी में बात होगी तो वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में चला जाएगा, सिर्फ एक्टिविटीज को लेकर के अगर कोई बात होगी तो वो हम इस पे करेंगे, जैसे कितना गुड्स परचेज हुआ था अब कितना हुआ, कितनी सेल पहले हुई थी अब कितनी हुई, उस सेल से प्रॉफिट क्या हो रहा है, मुझे कॉस्ट कम हो रही है या ज्यादा हो रही है परचेस करते समय, इसकी अपन बात नहीं कर रहे, वी आर डिस्कशिंग हियर ओनली द एक्टिविटी रिगार्डिंग परचेज, सेल्स, डेटर, क्रेडिटर, इनकी बात करते हैं, तो वो एक्टिविटी में आता है। एंड देन लास्ट इज अ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी ये बताता है कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, इसमें अभी एक पॉइंट में छोड़ रहा हूँ, उसको कवर अप नहीं कर रहा हूँ, जब ये 3 समझ में आएंगे देन वी डिस्कस लास्ट वन। तो ये तो हो गया प्रोडक्टिव प्रॉफिटेबिलिटी, एक्टिविटी एंड लिक्विडिटी। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि ये तीनों इसमें कैसे फिट होंगे, ठीक है। तो अब मैं उसके लिए आपको सिंपल सी चीज समझाता हूँ, या अपन कोशिश करते हैं पुरानी चीज को रिवाइज करने की जो अपन ने पहले पढ़ा हुआ है। ये पूरा हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से इसको लेके चलेंगे उसको ध्यान दीजिए। वी ऑल फैमिलियर अबाउट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, हम इसको अच्छी तरह से जानते हैं, करेक्ट, इन दोनों को हम अच्छी तरह से पहचानते हैं।
कौन सा रेशियो लगेगा और कौन सा मेथड लगेगा वो ध्यान देना, ध्यान से इस बात को नोट कर लीजिए, यही आपके काम आने वाला है आगे पूरे रेशियोज में, उसी की हेल्प से हम आगे फॉर्मूले भी बनाएंगे। वी हैव मोर देन 30-40 फॉर्मूला, बट हो सकते हैं 300-400 फॉर्मूले, बट हम उन 30-40 फॉर्मूलों को भी में से भी 90% फॉर्मूलों को खुद क्रिएट कर सकते हैं, हमें लर्न करने की मगअप करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम इजीली उसको लर्न कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका होता है। तो अब ध्यान क्या देने की जरूरत है कि आपके पास क्या दिया है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और दिया है बैलेंस शीट। ओके, अब बात करें हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाएंगे, बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, ये आपको पहले पढ़ाया जा चुका है। ओके, वी आर जस्ट डिस्कसिंग हियर कि हाउ वी एनालाइज दिस, कि इसमें जो लिखा है या जो इसमें किया गया है उससे बिजनेस की प्रोडक्टिविटी पे क्या फर्क आ रहा है, बिजनेस की एक्टिविटीज पे क्या फर्क आ रहा है, बिजनेस के लिक्विडिटी पोजीशन पे क्या फर्क आ रहा है, उसको हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। जैसे आपसे कोई ये नहीं पूछता है कि 12th में कितने नंबर आए, 500 में से कितने मिले, 400 में से कितने आए थे 10th में, वो क्या पूछता है, व्हाट इज द परसेंटेज, व्हाट इज योर डिवीजन, क्योंकि डिवीजन या परसेंटेज इंडिकेट कर देता है कि आप लगभग इसके आसपास हैं, ठीक है ना। सो वी डिस्कस हियर कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कब कहलाएगा। आप एक चीज गौर करिए कि आप जब भी रेशियो निकालते हैं तो एक डिजिट ऊपर होता है, एक डिजिट नीचे होता है, ये सब लोग कुछ ऊपर होगा और कुछ नीचे होगा, यानी समथिंग इज डिनोमिनेटर एंड समथिंग इज डिनोमिनेटर, कुछ अंश होगा कुछ हर होगा। जब अंश और हर दोनों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहां मुझे बैठा लीजिए क्योंकि यही आपको आगे हेल्प करने वाला है। नंबर वन, अंश और हर अगर दोनों ही वैल्यूज, दोनों ही आइटम अगर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के हैं तो वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होगा, या दोनों में से कोई एक भी आइटम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का है तो वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में जाएगा। क्या बोला मैंने, दोनों में से कोई भी एक आइटम या दोनों आइटम, अंश और हर, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर, दोनों आइटम या दोनों में से कोई एक आइटम अगर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस से बिलोंग करता है तो इट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये चीज 100% एप्लीकेबल होगी, बट आपकी 99.9999% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और एक्सेप्शन हर जगह होते हैं दोस्त, करेक्ट। सो क्या मिला, ये पूरा किसको कवर अप करता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को कवर अप करता है, इट्स क्लियर। नंबर टू, ये भी ध्यान रखना, अगर एक भी आइटम ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस का मिल गया, ठीक है ना, तब आपको परसेंटेज को यूज करना, यानी प्रॉफिटेबिलिटी कनेक्टिविटी बनाइए आप, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज परसेंटेज के फॉर्म में होंगे, क्योंकि दोनों में या तो दोनों आइटम हो या एक आइटम हो, और एक आइटम भी हो तो परसेंटेज में यूज करना है, तो यानी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बिलोंग करता है और परसेंटेज के फॉर्म में यूज होता है, इट्स क्लियर। ओके, लेट्स वी गो टू द नेक्स्ट वन, अगर दोनों आइटम, ध्यान से सुनिएगा, अगर दोनों आइटम यानी डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बोथ द आइटम्स बिलोंग्स टू बैलेंस शीट, ध्यान से सुनिएगा, दोनों आइटम अगर बैलेंस शीट से बिलोंग करते हैं यानी ऊपर भी और नीचे भी, इन दैट केस हम लिक्विडिटी रेशियो एंड फोर्थ वन जो अभी अपन यहां पे नहीं लिखा है, मैं उसका नाम अभी नहीं लिख रहा हूं बिकॉज आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू, बट इतना दिमाग में बैठा लीजिए, अगर दोनों आइटम बैलेंस शीट के हैं सो वी यूज लिक्विडिटी रेशियो। ओके, एंड नेक्स्ट इज इसमें कौन सा, किस वे में इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो वी आर यूजिंग द एक्चुअल रेशियो मेथड नंबर थर्ड। इट मींस इसमें बैलेंस शीट के आइटम्स आते हैं एंड नेक्स्ट इसको हम रेशियो के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं, करेक्ट। गो फॉर नेक्स्ट, अगले स्टेप पे चलते हैं। अब ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब ये बीच का रह गया दोनों,
इसका कब यूज करेंगे? जब क्वेश्चन में आपको एक शब्द मिलेगा, दैट वर्ड इज कॉल्ड टर्नओवर। टर्नओवर वर्ड अगर आपको मिल रहा है तब आप दिमाग में फिट कर लीजिए कि आपको एक्टिविटी रेशियो है वो नंबर वन, और उसमें आपको टाइम्स के फॉर्म में आंसर देना है। तो क्या मिला इसमें, क्या लिखा मिलेगा? टर्न ओवर, और इसमें आंसर कैसे आएगा? टाइम्स के फॉर्म में आएगा। तो ये तो बातें थी जो मैं एक बार रिवाइज करता हूं। रेशियोज तीन फॉर्म में आता है, नंबर वन परसेंटेज, टाइम्स या रेशियो के फॉर्म में। तीन प्रकार के रेशियोज बेसिकली होते हैं, और भी चार पांच, बट तीन बेसिक, प्रॉफिटेबिलिटी, एक्टिविटी एंड थर्ड इज लिक्विडिटी। अब इनको मिक्सअप करते हैं प्लस चेक करते हैं कि इनको कहां यूज किया जाता है। तो रिवीजन है ये, तो आपके पास ट्रेडिंग है, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट है। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, यानी इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट के ही अगर आइटम केवल यूज हो रहे हैं इन डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर अंश और हर दोनों में, इन दैट केस इट इज कॉल्ड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एंड इसको प्रेजेंट करेंगे परसेंटेज के फॉर्म में, यानी इनटू 100 करके फॉर्मूला बनाएंगे। नेक्स्ट, अगर दोनों आइटम बैलेंस शीट के हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? लिक्विडिटी रेशियो, एंड उसको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे, 1:2, 2:1, 3:1 इस फॉर्म। नेक्स्ट, अगर हमको टर्नओवर वर्ड लिखा हुआ मिलता है कि इतना बिजनेस हुआ, अगर टर्नओवर वर्ड है, डेप्ट टर्नओवर, क्रेडिट टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर, टर्नओवर रेशियोज हैं, इन दैट केस व्हाट वी आर यूजिंग? टाइम। आज मैं इतने चीजें बताई, एक एग्जांपल आपको दिमाग में क्लियर कर दूं ताकि आप ये सोच सके हमेशा कि हमें फॉर्मूला कैसे बनाना है। इसको बहुत ज्यादा टेंशन लेके ना चले कि 300-400 फॉर्मूले हो जाएंगे, 700-1000 फॉर्मूले हो जाएंगे, तो हम कैसे करेंगे। तो हमें फॉर्मूला बनाते आना चाहिए, फॉर्मूला अगर बनाते बनेगा तो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने एक नाम दिया, एक फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट रेशियो, दिस इज द फॉर्मूला कि नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालेंगे। अब सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए कि इसमें फैमिलियर वर्ड कौन सा, वो वर्ड जो आप पहचानते हैं, जिसको आप पहचानते हैं। तो आप एक वर्ड को पहचानते हैं, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कहां होता है, कैसे याद करेंगे? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ये कहां होता है, क्या होता है, यानी एक आइटम आपका कहां का मिल रहा है? बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट का नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस का। नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस में भी होता है और बैलेंस शीट में ट्रांसफर होता है। तो ट्रांसफर जगह वो जहां है वो नहीं ध्यान देंगे, जैसे आप सतना के रहने वाले हैं, ट्रांसफर होकर के भोपाल जाएंगे तो भोपाल के नहीं कहलाएंगे, है सतना के कहलाएंगे। तो जहां ट्रांसफर होगा वो प्लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, कहां के है वो इंपॉर्टेंट है। ओरिजिन कहां हुआ नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस में, तो यानी किसका आइटम हुआ? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। क्या इसमें टर्नओवर लिखा है? नो, यानी ये होगा नहीं, करेक्ट। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, अब इसका फॉर्मूला बनाए। तो अगर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का आइटम है और उसका फॉर्मूला बनाना है तो उसका बड़ा आसान तरीका, जो नाम आप निकालने वाले हैं, जो आप कैलकुलेट करने वाले हैं, उसको ऊपर रख दीजिए। क्या दिया? नेट प्रॉफिट, और अपॉन में लगा दीजिए क्या, हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में 99.99 नेट सेल्स। एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कैसे रिप्रेजेंट होता है? इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, और परसेंटेज के लिए इनटू 100 यूज होगा। अब आपके क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दिया होगा, क्या दिया होगा, कि आपने 10,000 का प्रॉफिट अर्न किया है एंड द सेल इज 2,20,000 एंड द सेल्स रिटर्न इज 20,000 और इनटू 100। तो 10,000 का प्रॉफिट, 2,00,000 की सेल और इनटू 100, तो व्हाट इज द आंसर? 1, 2, 3 इट इज 5%, द आंसर इज 5%।
वेरी इजी। हाँ थोड़ा सा ये क्योंकि मैंने इजी एग्जांपल लिया था, कभी कभी नेट प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं दिया होगा, आपको उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, नेट सेल्स नहीं दी होगी, घुमा के लिखा होगा, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वो अपन फर्दर डिस्कस करेंगे आगे के लेसन में अपन पढ़ेंगे। बट व्हाट वी डिस्कस टुडे, अभी आज हमने क्या पढ़ा, रेशियो क्या है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, कब कौन से रेशियो में कौन सा मेथड यूज होगा, एंड द लास्ट इज एक एग्जांपल। ओके थैंक यू, वी विल मीट टुमारो।